नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल, जिसमें आज हम बातचीत करने वाले हैं क्योंकि चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आज इस खास विषय को लेकर हल्ला बोलेंगे क्योंकि एक साथ कई कई वारदात अंजाम दे रहे हैं चोर। चोरों में बिल्कुल भी पुलिस का खौफ नहीं रहा, दिन दहाड़े लूटपाट कर रहे हैं। इन ताबड़तोड़ चोरियों को देखते हुए लोग बिल्कुल डर रहे हैं क्योंकि देखिए, अचानक से चोरी हो जाना हर किसी के लिए हैरान करने वाली बात है। सोचिए, अगर आपके घर भी चोरी हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? हो सकता है कि आपके घर के बाहर जो बाइक खड़ा हो वो चंद ही सेकंड में चोरी हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए हम आज इस खास विषय को लेकर हल्ला बोलने वाले हैं क्योंकि देखिए, पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए टीमें तक गठित की, लेकिन अभी तक किसी चोरी का खुलासा हो ही नहीं सका। आखिरकार कब तक लोगों को ऐसे ही डर डर के रहना होगा? क्योंकि मामला जो है वो पंचकुला से सामने आया है, जहां लुटेरों ने कैश एजेंट की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर और चाकू से हमला करके 15 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। बहादुरगढ़ में दिन दहाड़े घर के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी करने का एक मामला भी सामने आया है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और वो जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है वो आप तक हम पहुंचा भी रहे हैं। हालांकि अब ऐसे में सवाल यही कि आखिरकार चोरों के हौसले बुलंद क्यों हो रहे हैं, इन चोरों पर लगाम कब लगेगा? सवाल ये भी उठता है कि किसकी शह पर ये चोरी कर रहे हैं और कौन वो लोग हैं जो लगातार धड़ल्ले से चोरी करते जा रहे हैं। तो सवाल आपके भी जहन में उठ रहे होंगे क्योंकि सवाल उठना लाजमी भी हो जाता है क्योंकि विषय ही ऐसा है जिसको लेकर सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे क्योंकि हमारे मन में तो उठ रहे हैं। और इसीलिए आज हमने ये विषय उठाया, आपसे जुड़ा हुआ, जनता से जुड़ा हुआ विषय इसीलिए उठाया ताकि आप लोग हमारे साथ जुड़े और अपनी राय रख सके। तो जल्दी से जुड़ जाइए हल्ला बोल में और कॉल कीजिए हमें 01244829011 1213 14। इन नंबर्स पर आप बड़ी ही आसानी से हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ सवाल हमारे ये है कि चोरों पर कैसे लगेगी लगाम, आखिरकार क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, कानून जो बनाए गए हैं उनका पालन क्यों नहीं किया जा रहा, ये प्रदेश में कैसे हालात पैदा हो गए हैं कि आप घर के बाहर बाइक खड़ा करते हैं और चंद ही सेकंड में आपका बाइक चोरी हो जाता है। तो देखिए, इस खास विषय को लेकर हम हल्ला बोल रहे हैं। एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, प्रेम जुड़े हैं चेन्नई से। बोलिए प्रेम, हल्ला बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपने जैसे बताया चोरी की वारदात बाइक के साथ हुई, साथ में आपने कहा कि 15 लाख की लूटमार हो गई। मैम, कहने का मतलब इसको चोरी की जगह अगर अपराधियों का बढ़ता हुआ मनोबल बोला जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल, अपराधियों के लिए हरियाणा में अगर लगाम नहीं लगा सकती है गवर्नमेंट तो ये क्यों बोलती है? हमारे बीच साहब ने क्यों कहा हमारी आंख में एक्सरे है? ये क्यों कहते हैं हम हफ्ते में मीटिंग लेते हैं, लोगों की सुनवाई करते हैं? ये क्यों कहते हैं अपराधी हरियाणा छोड़ के चले जाए या अपराध छोड़ दे? ये सब बातें अच्छी लगती है मैम, ये सब बातें ये कितने दिनों से दोहरा रहे हैं, पर इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं मैम? आज सोचिए, आज माननीय लोगों के साथ में 20-20 आदमी, 50-50 आदमी उनकी सुरक्षा के लिए है। क्या हम देशवासियों की सुरक्षा के लिए, आम आदमियों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते? ये क्यों अपने साथ आदमी रखते हैं, इनको क्या सिकटर है? ये तो बोलते हैं हम देश की सेवा करते हैं और मुफ्त में सेवा करते हैं, ऊपर से देश की सेवा करने के जगह जो पुलिस का प्रोटेक्शन आम जनता को चाहिए वो प्रोटेक्शन लेके ये घूमते हैं। मैम, इनको ये सोचना चाहिए। आज एक स्पोक्स पर्सन बीजेपी का बोल रहा था हमारे 18 करोड़ जनता है, 20 करोड़ जनता हमारी हमारे मेंबर है। अरे उनको लगा लीजिए आप अपने साथ में प्रोटेक्शन लेने के लिए, क्योंकि बीजेपी आज जहाँ राज कर रही है। एक प्रोटेक्शन में देखिए ये क्या होता है, एक आदमी, एक मंत्री, एक हमारे कोई भी आदमी हो उनके साथ देखिए कितनी बड़ी फोर्स लगी रहती है। तो थाने में फोर्स कहाँ से मिलेगी, आम जनता की रखवाली कहाँ से होगी, सड़कों में क्या चीज में कहीं भी बाइक खड़ी करके चोरी हो जाएगी, गाड़ियां घर से, कल से बंदूकें और तलवारें भी चलेगी घरों पे, तो क्योंकि पुलिस का प्रोटेक्शन आम जनता को नहीं है। तो हम, मेरे कहने का मतलब है खाली हरियाणा की बात नहीं है, बिहार में देखिए खाली टीवी पर मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करने से नहीं होता है मैम ये कि हम ये कर दिए। बिल्कुल प्रेम, आपने कहा, एक सुझाव भी दिया कि हम यहाँ पर ये भी रख सकते थे कि अपराधियों का बोलबाला लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया
सुझाव देने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। सिरसा से बलदेव जुड़ गए हैं। बोलिए बलदेव जी, क्या कहेंगे आप इस खास विषय को लेकर? इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, चोरी और ये अपराध बेरोजगारी के कारण ये फैल रहे हैं। एक जो हमारी आर्थिक है ये इसकी सही मायने में ठीक नहीं है, तो अरबोंपति है, एक के पास खाने को दाने नहीं। जब तक इसके बारे में सरकार नहीं सोच के कोई कानून ढंगसर बनाएगी, अपराध और चोरी होते रहेंगे। क्यों, भूखे मरते क्या करेंगे, या चोरी करेंगे या अपराध करेंगे। और इसके साथ ही मैं एक पशुपालन विभाग की आपको बात बता रहा हूँ कि VLDA वर्ग वहां धरना दिया है, उसके चार नेताओं को तो DG ने सस्पेंड कर दिया, जबकि ACS का एक 8/11/18 और मेमो नंबर 14/5/20 गया तो इसके तहत इन अधिकारियों को OPD केस देखने के लिए ACS ने आदेश जारी किए थे, जिसकी आज तक पालना नहीं हुई। बजाय उन पर कार्रवाई करने के, और VLDA वर्ग जो अपनी उचित मांगों के लिए धरना दे रहा है, उनके साथ ना इंसाफी हो रही है। साइड में ये कहते हैं हमने एक्ट 1984 लागू कर रखा है, जबकि एक्ट 84 के तहत एक VLDA किसी भी डंगर को एविल या कोई भी चीज नहीं लगा सकता, उनसे काम करवाया जाता है। जब उस काम की वो मांग करते हैं तो उनको ये प्रताड़ना दी जाती है कि उनके चार नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और पशुपालन मंत्री से मांग करता हूँ कि ACS के उस लेटर के मुताबिक इनके जो जिन अधिकारियों ने काम नहीं किया उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, और इन VLDA वर्ग की जायज मांगों को उचित मानते हुए इनका माननी जाए, और उन अधिकारियों पर, DG और उन अधिकारियों पर जिन्होंने ACS के लेटर की वो नहीं की कार्रवाई, उस पर नहीं करवाई, उसका अमल नहीं करवाया, उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड होना चाहिए। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा जी, जब तक ये भेदभाव होता रहेगा, अपराध और ये चोरी होती रहेंगी। आप इसका पशुपालन तो आप बेरोजगारी ये कारण मानते हैं? हाँ, बेरोजगारी कारण है जी इसमें सबसे बड़ा। अगर आपके पास खाने को दाने होंगे, आपके पास होगा, आप चोरी क्यों करेंगे, क्यों आप वो करेंगे? नहीं बलदेव जी, ऐसा भी तो हमने देखा है ना कि अगर सब कुछ है तो भी हमने देखा है कि चोर फिर भी बढ़ते जा रहे हैं। चोरी वो आदमी करता है जिसके पास कुछ नहीं होता। बिल्कुल बलदेव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए बलदेव जी जुड़े थे सिरसा से, इन्होंने अपना एक पहलू रखा है। उन्होंने कहा कि जो चोरी है वो इसीलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि प्रदेश में बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं। बेरोजगारी जो है वो अपनी चरम सीमा पर है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन एक पहलू जो है वो इन्होंने बताया। और अक्सर हम ये जिक्र भी करते हैं कि हर विषय के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव जिस तरह से ये भी है कि अगर चोरी की जा रही है तो चोर आखिरकार बढ़ क्यों रहे हैं, इसकी वजह जानी जाए। दूसरा नेगेटिव पहलू ये भी हो जाता है कि जो आखिरकार वजह क्या है इसके पीछे की, क्या ये जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नशा बढ़ता जा रहा है, क्या उसकी वजह से चोर बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई जुर्म किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, और इसलिए हमने ये विषय उठाया है ताकि आप लोग आसानी से जुड़ सकें। और क्योंकि आप लोग एक आम नागरिक है और एक आम नागरिक बखूबी जानता होता है कि हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है, वजह क्या है, वो एक आम नागरिक को जरूर पता होती है। हमारे जमीनी स्तर पर हो क्या रहा है वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार धरातल पर हो क्या रहा है। तो चोरों पर लगाम कैसे लगाई जाएगी, प्रशासन की कार्यवाही से आप कितने संतुष्ट हैं, क्या प्रशासन जो अपनी कार्यवाही कर रहा है क्या आप उससे संतुष्ट हैं, जो कानून बनाए गए हैं क्या आप उससे संतुष्ट हैं, क्या आपको सेफ्टी नॉर्म्स पता है, कानून जो बनाए गए हैं क्या वो आपको पता है, क्या आपके यहां भी चोरों का आतंक बढ़ रहा है, क्षेत्र में फिलहाल क्या तस्वीर नजर आ रही है आपको। अगर आपके घर के बाहर से कोई व्हीकल चोरी हो जाता है तो आपको कैसा लगेगा, क्या चोरी पर लगाम नहीं लगाना चाहिए, आप क्या मानते हैं कि क्या एक्शन उठाए जाना चाहिए,
आपके हिसाब से प्रदेश में किस तरह का कानून बनाया जाना चाहिए? सवाल ये भी उठता है इसके पीछे की जिम्मेदारी किसकी बनती है, जिम्मेदार कौन है? तो सवाल ना जाने कितने खड़े हो रहे हैं, जिसका जवाब हम भी जानना चाहते हैं। और एक आम नागरिक होने के नाते आप अपनी राय रख सकते हैं। एक दर्शक जुड़े थे प्रेम, जिन्होंने अपनी राय रखी और एक सुझाव भी दिया कि यहाँ पर चोरों की जगह ये रखा जाए कि अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद होते जा रहे हैं, अपराध क्यों बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही कहा, उन्होंने सुझाव भी दिया और इसी तरह से आप भी सुझाव दे सकते हैं। अगर आप कोई भी सुझाव रखना चाहते हैं तो सुझाव दे सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपकी क्या है राय इस खास विषय को लेकर, आप क्या सोचते हैं कि आखिरकार चोरों के हौसले बुलंद क्यों होते जा रहे हैं? हर दिन हम सुनते हैं कि किसी के घर के आगे से बाइक चोरी हो गई, किसी के घर के आगे से कार चोरी हो गई, किसी के घर के आगे से बुलेट चोरी हो गया, तो किसी के घर के आगे से साइकिल चोरी हो गई। और ये भी सुनते हैं कि किसी के घर से नकदी चोरी हो गई, कैश चुरा लिया गया, सोना चुरा लिया गया, चांदी चुरा ली गई। तो सवाल यहां पर खड़े होना बिल्कुल लाजमी हो जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं तो आप जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि ये वक्त जो है वो बिल्कुल कम है। तो जुड़िए हमारे साथ इस खास विषय को लेकर, आप अपनी राय रख सकते हैं। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, देर मत कीजिए क्योंकि वक्त हो चला है हल्ला बोलने का और आपकी राय जानने का। एक दर्शक जुड़ गए हैं, निशांत बोलिए। निशांत, हल्ला बोलिए, क्या कहेंगे आप? मैम, प्रदेश में दिन मतलब देखा जाए तो हमेशा ही ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और सिर्फ अपराध नहीं बल्कि अपराधियों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और हमेशा हम प्रशासन पे दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रशासन भी तो आए दिन खबर आती रहती है, आपके चैनल में भी खबर आती रहती है कि प्रशासन ने उसको पकड़ा, प्रशासन ने उसको पकड़ा। तो मैम, हमेशा प्रशासन पे दोष नहीं लगा सकते क्योंकि प्रशासन भी काम कर रही है। हाँ, ये है कि प्रशासन को और ज्यादा टाइट होना पड़ेगा, और ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और ये काइंड ऑफ जासूसी टाइप की लोगों को पता लगा कि वो चेक कर रही है, लेकिन चेक करते हुए ऐसे पकड़ना ताकि लोगों पर काबू किया जा सके। और अब दूसरा कारण ये है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, तो उन्हें कुछ मिलता नहीं है, तो वो लोग बोलते हैं चलो शॉर्टकट, पैसा कमाने का शॉर्टकट, क्योंकि आजकल कोई भी मेहनत करके पैसा कमाना नहीं चाहता। उन्हें लगता है कि वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, चलो शॉर्टकट अपनाते हैं, ऐसे ही पैसा कमाते हैं, तो वो लोग ऐसे भी कर लेते हैं। तो वो लोग ये चोरी करके या फिर लूटपाट करके कहीं भी मैम ऐसे करके फिर पैसा कमा रहे होते हैं। तो निशांत, क्या मानते हैं आप, इसके पीछे क्या एक्शन उठाया जाना चाहिए? सख्त होना चाहिए, ऊपर से लोगों को भी। ये जो लोग परिवार सोया रहता है और तब चोर जो चोरी कर लेता है, ऐसे कैसे आप कौन सी नींद में सोए जो चोर ने चोरी कर लिया, गेट खुला होगा, कुछ तो होगा। तो आप अपनी रक्षा खुद भी तो कीजिए, सिर्फ प्रशासन पे दोष मत डालिए, खुद की रक्षा खुद भी कीजिए, खुद भी थोड़ा सा तो अलर्ट रहिए। और दूसरी बात, यदि ऐसा होता है तो तुरंत आप एक्टिव रहिए, आप भी पहले ट्राई कीजिए कि चोर को कैसे पकड़ा जाए, फिर प्रशासन को भी बोलिए कि वो भी पकड़े। और प्रशासन को भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा मैम, जैसे मैंने पहले बोला कि मतलब लाइक वो सिविल ड्रेस में या फिर ऐसे करके जैसे पता लगा कि अच्छा ये चोरी करता है, तो लाइक उसके पास सिविल ड्रेस में उसे पूछे दोस्त बनकर कि अच्छा अच्छा मुझे मतलब समथिंग ऐसा कुछ करके ना फिर उसे पकड़ा जाए, ताकि इससे क्या होगा कि सिर्फ ये टहनिया ही नहीं बल्कि जो पेड़ का जो जड़ है ना वो भी पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल निशांत, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना सुझाव देने के लिए। निशांत जुड़े थे और काफी अच्छे से उन्होंने एक सुझाव भी दिया कि यहाँ पर एक कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, और सही भी कहा उन्होंने। तो देखिए, इसी तरह से आप भी जुड़ सकते हैं और क्या कुछ कानून कहता है, क्या आपको पता है अगर आप चोरी कर रहे हैं तो क्या आपको पता है कि आप पर कौन सी धारा लग सकती है? क्या आपको पता है कि हमारे देश में कानून की महत्वता है क्या? अगर आप चोरी कर रहे हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि चोरों पर लगाम कब लगाया जाएगा। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और हल्ला बोल में अपनी राय रखिए धड़ल्ले से। चोरों में क्यों नहीं खाकी का खौफ, क्या वर्दी का कोई खौफ नहीं? क्या आपके यहां भी चोरों का आतंक बढ़ रहा है? क्या आपके यहां भी यही हालात हैं? अगर हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ, देर मत कीजिए क्योंकि वक्त जो है वो बिल्कुल कम है, और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं
कि हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय रखिए, कॉल कीजिए हमें, और सवाल जो है वो यहाँ पर तमाम खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब हम भी जानना चाहते हैं कि चोरों का जो आतंक है वो क्यों बढ़ता जा रहा है। हल्ला बोल में ही अपनी आवाज दीजिए, चोरों पर आखिरकार लगाम कैसे लगेगी, सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है क्या आप उससे खुश हैं? चोरों के हौसले क्यों बुलंद होते जा रहे हैं? सवाल ये भी उठता है कि यहाँ पर घर के बाहर से बाइक चोरी कर ली गई, क्या ये सही है? एक दर्शक जुड़े थे, उनका ये कहना है कि यहाँ पर बेरोजगारी के चलते चोर चोरी करते हैं। हो सकता है क्योंकि एक पहलू उन्होंने भी रखा, और जिस तरह से हम जिक्र भी कर रहे थे कि हर विषय के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप किस नजरिए से देख रहे हैं उस खास विषय को लेकर, वो आप पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आप अपनी राय रख सकते हैं, दो पहलू यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, एक पॉजिटिव, आप किस वे में अपनी राय रख रहे हैं। एक दर्शक भी जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, राम बोलिए, राम क्या कहेंगे आप, हल्ला बोलिए। नमस्कार। नमस्कार, जो कार्रवाई आप बोल रहे हो ना, तो वो सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। हकीकत में सारा मिली भगत का खेल है। चोरों के साथी चोर, ये सारा हाल आपको कैसे बताऊं मैं, एक एक बंदे का हाल बता सकता हूं मैं, लेकिन आप सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते। क्यों? सच्चाई से बहुत दूर है। मेन कारण ये है कि जो अपना कहते हैं ना, उल्लुओं की पंचायत में उल्लुओं के हक में फैसला, तो ये सारा हिसाब का वही बना जा रहा है कि वो ये कहते हैं कि हमने तो रहना है अपने साथियों के साथ, तुम्हारे साथ थोड़ी रहना है, हमने तो उनका समर्थन करना है। तो ये ऊपर से नीचे तक सारा खेल चल रहा है, सब किस्त दी जा रही है, सब कुछ पता होता है। जब भी आप किसी बच्चे से पूछ लो कि जो भी सीएम आता है तो गुड़गांव के अंदर आके ठहरता है तो थैलियां भेंट जाती है, सब पता है, लेकिन कारण क्या है? आपके सामने सारा कुछ हो रहा है, ईडी के माध्यम से सरकारें बनाई जा रही है, ईडी के माध्यम से खरीदे जा रहे हैं, सब कुछ रहा है। जब ऊपर से ये खेल हो रहा है तो इनको चोरों क्या है, उनका तो जमानत हो जाएगी सुबह जाके, नहीं आज फिर चोरी कर लेंगे, कल फिर जमानत हो जाएगी, परसों फिर चोरी करेंगे, पर लेकिन फिर जमानत हो जाएगी। ये हमारा कानून है, इसके बारे में सोचो आप, और ये जनता के सामने रखो आप चैनल के माध्यम से, आप पत्रकार हो। धन्यवाद। चलिए राम, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, राम जुड़े हमारे साथ, उन्होंने अपनी राय रखी, तो आप भी जुड़ सकते हैं, जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि वक्त हो चला है हल्ला बोलने का और आपकी अपनी राय जानने का। तो देर मत कीजिए, आप क्या देखते हैं कि आखिरकार प्रदेश में चोरी क्यों हो रही है, वजह क्या है इसके पीछे की? तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जुड़िए हमारे साथ, जो सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं उनके जवाब हम भी जानना चाहते हैं, और एक आम नागरिक जो है वो खुलकर बोल सकता है, वो बता सकता है कि आखिरकार हमारे प्रदेश में हो क्या रहा है। एक दर्शक जुड़ गई हैं, सुप्रिया बोलिए, सुप्रिया जी हल्ला बोलिए, क्या कहेंगे आप? दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, चोरों पर लगाम नहीं लग रही है, लोग अब अपने घर में भी बेखौफ हैं, लोगों को डर है कि मतलब बाहर भी जाते हैं, लोग घर पे ताला भी लगा देंगे तो डर यही सताया रहता है बाहर जाके भी कि हमारा घर सुरक्षित होगा या नहीं होगा। आखिर कब तक लोग ऐसे ही चोरों से डरते रहेंगे? प्रशासन कब इस पर कार्रवाई करेगा कि लोग बेखौफ होके बाहर घूम सके? तो आप वजह क्या मानती हैं इसके पीछे की? ये क्या कहते हैं कि कोई भी, अगर कहते हैं ना, कोई भी काम हो रहा है तो उसके ऊपर एक्शन उठाना होता है। चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है, पर इस पे कोई भी ऐसा एक्शन नहीं आया है कि इस पे लगाम लगे। दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, चोरों में खौफ ही नहीं रहा है प्रशासन का। दिन दहाड़े हम देखते हैं रोडों पे चलते हुए चैनें खींच ली जाती है, और अभी जैसे कि आपने ये खबर आ रही है यहाँ से, इसके अंदर आंखों में मिर्ची डाल के जब उसे लूटपाट की है। तो अब जो नॉर्मल इंसान है वो रोड सड़कों पर भी सुरक्षित नहीं चल सकता है। बिल्कुल, चलिए सुप्रिया जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, सुप्रिया जी जुड़ी थी और अपनी राय रखी उन्होंने।
तो देखिए सवाल यहाँ पर आपके जहन में भी उठ रहे होंगे और इसीलिए हमने ये खास विषय को लेकर सवाल उठाए।